चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो हैंग ग्लाइडर पे हमेशा कपड़ा चढ़ाता हूँ उसके बारे में दिखाऊंगा कि कितना मजबूत है। ये कपड़ा जो मैं खरीदता हूँ इसके बारे में बताऊंगा कि ये कितना मजबूत है। उनका हैंग ग्लाइडर जो बाहर देश के हैंग ग्लाइडर होते हैं वो 2 किलो की बोतल टाँग के दिखाते हैं कि कपड़ा कितना मजबूत है। हम इस पे ईंट के हिसाब, ईंट में 2.5 किलो वजन होता है, 2 ईंट 3 ईंट 4 ईंट ऐसे टांग के दिखाएंगे और बताएंगे कि ये कपड़ा कितना मजबूत है। ये खुद बताएगा कि मैं कितना मजबूत हूँ। अगर आप किसी हैंग ग्लाइडर में कपड़ा लगा रहे हैं तो कहाँ तक मजबूत होना चाहिए इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। इसमें गाड़ली है, इस लकड़ी में ये लकड़ी है दोस्तों, इसमें ये कील गाड़ली है। जैसे वो अंग्रेज दिखाते हैं हम लोगों को उल्लू बना लेते हैं कि हमारा कपड़ा कितना मजबूत है, हम हैंग ग्लाइडर में कितना मजबूत कपड़ा लगाते हैं, वो 2 किलो की बोतल 2 लीटर की बोतल टांग के दिखाते हैं कि कपड़ा फट रहा है। हमारे इसी कपड़े को हम दिखाएंगे जो ये हमारे भारत में मिलता है, इसको दिखाएंगे कि हम ये कितना मजबूत है। इस कील से हमको पता चल जाएगा कि कपड़ा कितना मजबूत है। अभी इसमें मैं पहले 1.5 किलो की ईंट बांध के दिखाऊंगा इसमें, और ये देखते हैं कि कपड़ा फटता है कि नहीं फटता। इस तरह इसमें टांग लिया है, इससे हमको पता चल जाएगा कपड़े में कील घुसाएंगे तो ये कपड़ा कितना मजबूत है। वो ऐसे ही चेक करके दिखाते हैं, ये देखो ये कील मैंने इसमें घुसा ली है। घुसा दी मैंने कील। अब देखते हैं कि कपड़ा कितना मजबूत है। ये देखो दोस्तों, ये इसमें 2.5 किलो में कपड़ा नहीं फटता। उनकी इतनी हल्की फॉर्म होती है कि वो 2.5 किलो में फटने लगती है। अभी देखो ये फट रहा है नहीं फट रहा देखो। अब मैं दोबारा से इसी में फिर से ईंट जोड़ूंगा। ये हो गया 5 केजी वजन। हम कोई आपको उल्लू नहीं बना रहे हैं कपड़ा टांग के कि भैया कोई जादू का खेल दिखा रहे हैं कि ये फटेगा नहीं। ये ईंटें बताएंगे कि ये कितनी ईंटों में फटेगा। फिर से देखो इसे, ये मैंने 5 किलो वजन टाक लिया है और तब भी नहीं फट रहा है। अब फिर से हम आपको दिखाएंगे इसमें और 2 ईंट बांध के। अब इसमें ये दोस्तों 2 ईंट हो गई है, अब हम ये कर देंगे 4 ईंट। 4 ईंट का वजन ये हो गया 10 केजी। ये 4 ईंट का वजन हो गया 10 किलो। और ये यही मैंने कपड़ा, देखो गौर से, ये कील है और ये कपड़े में जैम है छेद, इससे पता चलता है कि कितना मजबूत कपड़ा, कहाँ तक ये फटेगा। अब मैं 4 ईंट बांध रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि 4 ईंट में भी कपड़ा नहीं फट रहा। हम हैंग ग्लाइडर जो बनाते हैं उसका जो कपड़ा बहुत ही मजबूत लगाते हैं। जैसे कि बिल्डर होता है वो कम मटेरियल लगाता है तो उसका लगता है कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रहा है, और हम अपने मकान में 3-1 का सीमेंट डालते हैं, बहुत अच्छा सीमेंट लगाते हैं, बहुत अच्छी रोड़ी डस्ट सरिया लगाते हैं, फिर भी हम लोगों को कमज़ोर बता देते हैं कि मकान आप लोगों ने कमज़ोर बनाया। और बिल्डर बनाएगा तो उसको दिखा देते हैं बहुत मजबूत। इसी तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हैंग ग्लाइडर में कोई सा भी आप कपड़ा लगाओ, वो हल्का लगाओ, भारी लगाओ, कैसा भी लगाओ, वो फटना नहीं चाहिए। बस अगर आप हवा में हो कपड़ा फट गया तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। ये मैंने घुसा दी की, अब मैं दिखाता हूँ ये 4 पे फटता है कि नहीं। ये 4 ईंट है, देखो दोस्तों
चार हीट पे भी कपड़ा नहीं फट रहा है। देख गया, अब इधर भी देख लो, ये कील है यहाँ पे, ये चार हीट पे भी लगा लिया मैंने, तब भी कपड़ा नहीं फट रहा है। उनमें 2 किलो ईट पे ही कपड़ा, 2 किलो पे ही कपड़ा फट जाता है। देखो फट रहा कपड़ा, नहीं फट रहा। देखो अब इसमें हम और ईट बांध के दिखाएंगे आपको, आज कपड़ा फाड़ के दिखाएंगे कि कहाँ से कपड़ा फटता है। दो ईट और बांध देंगे इसको, मैंने 6 ईटों को बांध दिया। अब कपड़े की मजबूती पता चल जाएगी कि कपड़ा कितना मजबूत है। देखो ये काफ़ी भारी वजन है, 6 इंच का वजन कम से कम कुछ भी नहीं तो 10-12 किलो या 13 किलो वजन तो होगा ही। अब इसको दिखाते हैं ये फटेगा कि नहीं फटेगा। ये दोस्तों मैंने किस दूसरी छेद में लगा दी है और इसमें पता चल जाएगा कि कपड़ा फटेगा कि नहीं फटेगा। देखो स्टार्ट हो गया कपड़ा फटना थोड़ा थोड़ा, देखो कितना मजबूत है ये, देखो देखो देखो, ये इतना मजबूत कपड़ा है कि इतना वजन झेल रहा है। 6 इंच लगाने पे ये कपड़ा फटा, 4 इंच पे ये कपड़ा नहीं फटा। देखो देखो, और दूसरा पीले रंग का कपड़ा भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि वो कितना मजबूत है। सेम यही कपड़ा है, जो पीला है, नीला है, लाल है, यही कपड़ा है सब, दिखाता हूँ। वीडियो चालू होती है, कपड़ा पुराना भी है और इसको देखते हैं ये कपड़ा फटता नहीं फटता। ये मैंने यहाँ पे कील गाड़ दी है, ये कील गाड़ दी है। देखो दोस्तों इस कपड़े में ये कितना मजबूत कपड़ा है, तो दिखाते हैं हम, ये कील गाड़ दी है मैंने इसमें, और ये दिखाते हैं कि ये फट जाएगा क्या करेगा कपड़ा। देखो देखो 6 इंच पे कपड़ा फट रहा है, ये इतना मजबूत है कि 10 किलो वजन आराम से झेल सकता है। 10 किलो से ऊपर अगर वजन होता है कपड़े का उसमें वेट में तो फट जाता है कपड़ा, ये इतना मजबूत कपड़ा होता है। देखो दोस्तों, जो हम हैंग ग्लाइडर बनाते हैं, जब भी जितने भी हैंग ग्लाइडर मैंने बनाए हैं, मैंने कम से कम 3 हैंग ग्लाइडर बनाए हैं और तीनों में मैंने यही कपड़ा यूज किया है। बहुत सा भाई हैंग ग्लाइडर बना रहा है तो वो कपड़ा क्या है, कभी किसी चीज़ का लगा लेता है भारी हो जाता है, कभी किसी का लगा लेता है। कपड़ा हल्के से हल्का होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। कपड़े के अंदर ये देख लें कि ऐसे कील टाँके, जैसे मैंने देखा कि ये कितने वजन झेल रहा है। अगर आपका 2-2.5 किलो में कपड़ा फट रहा है तो समझ लो आपका कपड़ा ख़राब है। आप कपड़ा कम से कम 10 किलो वेट लटका के देखो तो समझो कि आपका कपड़ा बहुत मजबूत है, उससे आप हैंग ग्लाइडर बना लेना। और हैंग ग्लाइडर अगर आप बना रहे हो तो हैंग ग्लाइडर में बहुत सारी बातें होती है जिसको जानकारी आपको उसके बारे में नहीं है। मुझे जानकारी हो गई है तो मैं हर चीज़ के बारे में मुझे पता है कि हैंग ग्लाइडर किस तरह फ्लाइंग करता है। हैंग ग्लाइडर फ्लाइंग जब तक उसका आकार, डिजाइन और हर चीज़ उसकी से मतलब ठीक नहीं होगी तब तक वो फ्लाइंग नहीं करेगा। आपको कभी इधर फेंकना, कभी उधर फेंकना, और वो हैंग ग्लाइडर आपको हवा में ही नहीं ले जाएगा, उल्लू बनाता रहेगा आपका। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने का।